नमस्कार दोस्तों, समथिंग ऑफ एवरीथिंग में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्लेब का शेड्यूल किस तरह से जनरेट करते हैं। सबसे पहले तो हमको स्लेब के नंबरिंग देने पड़ेंगे, तो सबसे पहले हम नंबरिंग दे देते हैं। स्टार्ट नंबर पूछ रहा है, टेक्स्ट की हाइट पूछ रहा है और इंटरनल पिक करने का पूछ रहा है, तो सभी वन वे स्लेब जो है उसको हम S1 कर देते हैं। फिर S2 करते हैं टू वे स्लेब्स को। आप कोई भी अभी नंबर दे सकते हैं फिलहाल, बाद में जाके हम चेंज कर सकते हैं। फिर चलो हम शेड्यूल को चेंज करते हैं, सेम स्लेब नंबरिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे कि हमारा नंबर हो रहा है 3, तो हमको सिलेक्ट करने हैं S3 कौन कौन से हैं। जैसे कि ये 3 हमारे S3 हैं, बदल दिया। तो अभी जो चालू है, कमांड चालू है, तो ये S4 है और ये S4 है, तो डायरेक्ट S4 हो जाएगा, ये S5 हो जाएगा, ये S6 हो जाएगा, वो अपने आप नेक्स्ट नंबर लेता जाएगा। तो यह हो गए हमारे स्लेब के नंबरिंग। नंबरिंग होने के बाद हमको डमी शेड्यूल निकालने के लिए स्लेब शेड्यूल में SSE करके कमांड है। टेक्स्ट की हाइट पूछेगा और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का पूछेगा, उसके बाद पिक आउटसाइड करना है, तो आपका स्लेब का शेड्यूल तैयार हो जाएगा। वही शेड्यूल आपका एक्सेल में आ जाएगा। अभी एक्सेल में आपको जो भी चेंजेस करने हैं, जैसे कि S2 हमारा 150 थिकनेस का है, S5 हमारा 175 थिकनेस का है, फिर एनफोर्समेंट है हमारे ये 10:8 150 सेंटर टू सेंटर है, इसमें एक्स्ट्रा जो है 10:300 आ रहा है, ये सभी चेंजेस हम कर सकते हैं। फिर उसको सेव कर देना है, यस करना है, सेव कर देना है, और उसके बाद आपको वापस एक्सेल में आना, मतलब कैड में आना है, और कैड में स्लेब में जाके अपडेट स्लेब लैम फ्रॉम एक्सेल USSE ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं और आउटसाइड कहीं पे भी पिक करना है। तो आपको दिखाया गया कि सत्रह स्लेब्स अपडेट हो चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो स्लेब की थिकनेसेस भी अपने हिसाब से एक्सेल के हिसाब से चेंज हो चुकी है। पुराना शेड्यूल निकाल देना है और नया शेड्यूल यूज करना है। तो इस तरह से आप स्लेब का शेड्यूल फटाफट जनरेट कर सकते हैं और उसको एक्सेल में अपडेट भी करके वापस ला के आपका स्लेब का लेआउट और शेड्यूल खत्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।